Hello guys, welcome to my channel Tech Position, and today I'm gonna show you how to flash MIUI 8.2 ROM in Lightview Lyrical 11s. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि MI की जो ऑफिशियल ROM आती है वो हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं Lightview 11s में. ओके, सो देख लीजिए, मैंने अभी ये MIUI की ROM फ्लैश की हुई है और काफ़ी अच्छी ROM है, मुझे कोई अभी तक बग नहीं दिखा है इसमें. ठीक है, देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छी रोम है. इसमें थीम्स का ऑप्शन भी है, देख लीजिए. तो आप ऑनलाइन और भी डाउन कर सकते हैं गेट मोर करके, अगर आपका नेट कनेक्शन ऑन है तो. देख लीजिए, काफ़ी सारी थीम्स तो आप लगा सकते हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं. ओके, देख लीजिए, वॉलपेपर्स से अच्छे हैं इसमें, और कैमरा वगैरह सब वर्क करते हैं इसमें, देख लीजिए. ओके, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे फ्लैश करनी है. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में रिकवरी फ्लैश करनी होगी आपको, TWRP रिकवरी. ठीक है, अगर आपके फ़ोन में अभी तक फ्लैश नहीं किया आपने तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख कर फ्लैश कर सकते हैं. और आपको फाइल डाउन करनी होगी गूगल ऐप्स की और MIUI 8.2 की जिप फाइल डाउन करनी होगी इसके लिए, टू लीक और लिवनेस के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं कैसे फ्लैश करते हैं. तो आपको पहले अपना फ़ोन पावर ऑफ करना है. ओके, और इसको रिकवरी मोड पे ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, फ़ोन आपका ऑफ होने के बाद में आपको वॉल्यूम अप और पावर की प्रेस करनी है. ठीक है, वैसे आपका जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा आपको पावर की छोड़ देनी है. ठीक है, देख लीजिए रिकवरी मोड. ओके, ग्रोथ शॉप वाली ही आप अगर आप रखते हैं रिकवरी रिकवरी तो ये काफ़ी अच्छी है, इसमें कभी कोई बग नहीं आता और ये सभी रोम को फ्लैश कर देती है. तो हमें क्या करना होगा, जिस रोम पे हम वर्क कर रहे हैं अभी उससे पहले रिमूव करना होगा न्यू रोम फ्लैश करने के लिए. तो आपको वाइप वाले सेक्शन में जाना है, वाइप देन आपको यहाँ पर चूज करना है एडवांस्ड वाइप, और यहाँ पर 4 ऑप्शन चेक करने हैं आपको, डेल्विक कैच सिस्टम डेटा और कैच, आपको इंटरनल स्टोरेज नहीं चेक करना है. ओके, और आपको क्या करना है, स्वाइप टू वाइप करना है. ओके, जब स्वाइप टू वाइप कंफर्म सक्सेसफुल हो जाए आपका वाइप, तो आप होम की दबानी है, इंस्टॉल पे आना है, और जहाँ कहीं आपकी फाइल रखी हुई है वहाँ पे जाना है आपको. तो मैं पहले रोम ढूंढ लेता हूँ इसकी, कस्टम रोम. ठीक है, देन यहाँ पे है MIUI 8.2, तो मैं इस पर टैप करता हूँ, इसको स्वाइप टू इंस्टॉल कर लेता हूँ. इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ. ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिए सक्सेसफुल. तो आपको स्वाइप टू अनलॉक करना है. ठीक है, तो आपको सक्सेसफुल होने के बाद ध्यान रखना, आपको ये प्रोसेस जब तक सक्सेसफुल नहीं होती है आपको वेट करना है. प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, क्लोज मत कीजिएगा इस स्टेप को. ओके, जब ये सक्सेसफुल हो जाए आपको क्या करना है, वाइप कैश करना है और स्वाइप टू वाइप करना है. ठीक है, जब आप ये सक्सेसफुल हो जाए आपको रिबूट सिस्टम कर देना है. देख लीजिए MI.com. आपका फ़ोन एक बार रिबूट होगा ऑटो, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, इसको होने दीजिएगा जैसे ये हो रहा है. ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा.
फिर वो कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिए MIUI 8। तो आपको जस्ट नेक्स्ट करना है, अपनी लैंग्वेजेस चूज़ करनी है कौन सी लैंग्वेज आपको रखनी है। इंग्लिश यूनाइटेड, देन नेक्स्ट के स्किप कर दीजिए इसे, नेक्स्ट नेक्स्ट देन नेक्स्ट। सेटअप कंप्लीट, ठीक है सेटअप कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए आप ये चाइनीज़ करेक्टर्स वगैरह आते हैं तो मैं आपको ये भी सब फिक्स करा बता दूंगा आपको मैं। पहले हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं इसकी। ओके देख लीजिए ऑन हो चुका है, आपके सिम वगैरह सब वर्क करेंगी आपके, तो ये सब मैं आपको टाइम बता दूंगा। और प्लीज़ इसको अपडेट मत कीजिएगा। ओके अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, आपका सेम वगैरह सब वर्क करनी है आपको। इसमें क्या जो भी हम कस्टम रूम डालते हैं उसमें रूट एक्सेसिबिलिटी ऑटो आती है, तो देख लीजिए रूट एक्सेसिबिलिटी इसमें सुपर एसयू आया है, इसमें ऑटो प्रिंस प्री इंस्टॉल आया है। तो हमें क्या करना है, जस्ट सुपर एसयू को ओके करना है, न्यू यूज़र ओके नो थैंक्स कर दीजिए, सेटिंग में जाना है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस को ग्रांट करना है, ठीक है क्लोज इट। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको डाउन करनी होगी दो, तो उनकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या डाउन करना होगा, सिस्टम ऐप रिमूवर अलो कर दीजिए, इंस्टॉल लॉन्च। ओके तो चाइनीज एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए पहले, जो भी आपको हटानी हो। जो काम की नहीं है एप्लीकेशंस वो भी आप हटा सकते हैं। ठीक है बस इतनी ही लग रही है मुझे, तो मैं इनको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके जब आप इनको अनइंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा पॉपअप, तो वो आपको अगेन अगेन शो होगा। तो आप क्या करना है, इनको सबको अनइंस्टॉल होने के बाद में एक बार फ़ोन रिबूट कर लेना। देख लीजिए ये अनफॉर्चुनेटली स्लेश कॉम, तो ये एरर आपके आ रहा है आपके पास, तो इसको तभी तक कैंसिल कर दीजिए। ठीक है आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैं से यस कर देता हूँ। ओके तो अब आप क्या करना है, एक बार फ़ोन रिबूट करना है अपना, रिबूट कर लीजिए। ओके गाइस तो रिबूट कंप्लीट हो चुका है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज़ एप्लीकेशंस आ रही थी वो सब हट चुकी है। ठीक है तो अब हमें क्या करना है, मैं बताता हूँ, इसमें थीम्स वगैरह भी वर्क करती हैं आपके। मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कीबोर्ड नहीं चल रहा है तो आपको, मैंने क्योंकि गूगल एप्लीकेशंस नहीं डाली है मैंने आपको, मैं जिप लिंक दे दूंगा तो वहाँ पे जाकर डाउन करके आप डाल सकते हैं। तो मैं अभी तो आपको कीबोर्ड इंस्टॉल करके बता देता हूँ। इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है आपका कीबोर्ड ऑन हो चुका है,
अब मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, तो हमें सेटिंग ओपन करनी है और थीम्स वाले ऑप्शन में जाना है। वो जो भी आप थीम्स चाहें लगा सकते हैं डाउन करके। गाइस तो देख लीजिए, यहाँ पे थीम्स आ चुकी है काफ़ी सारी, जो भी आपको लगानी हो वो लगा सकते हैं आप डाउन करके। तो मैं आपको एक बता देता हूँ कोई सी भी, ठीक है, मैं आपको ये वाली बता देता हूँ, इसे डाउन कर लीजिएगा। इसे अप्लाई करना है, अब अप्लाई, ठीक है। देख लीजिए आपके हर जगह आपकी थीम चेंज हो चुकी है, देख लीजिए आपका यहाँ का लोगो भी चेंज हो चुका है और आपका नोटिफिकेशन बार भी चेंज हो चुका है, देख लीजिए पूरा डिफरेंट आएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये रोम अच्छी लगी होगी, और आप ये इसी तरह अपने फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप वहाँ पे फॉन्ट वगैरह का भी दिया हुआ है, देख लीजिए थीम्स तो, और गेट मोर थीम्स। ओके, यहाँ पे थीम्स है, वॉलपेपर्स है, रिंगटोंग्स है, फोन्स वगैरह हैं, देख लीजिए। वो ये चाइनीज़ फोन्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मेरा नेट स्लो है थोड़ा, ये नेट स्लो है इस वजह से लोड नहीं हो रहा है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। और सॉरी फॉर दिस, इसमें रोम में आपके फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करेगा और वॉलटिप भी वर्क नहीं करेगा, और बाकी ऑल चीज़ और सब वर्क कर रही हैं आपके। देख लीजिए कैमरा वगैरह, कैमरा वगैरह को वर्क करा, कैमरा काफ़ी अच्छा है इस रोम में, आपके क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, देख लीजिए। ओके, और आपका म्यूजिक प्लेयर भी वर्क कर रहा है। और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं इसको अपडेट भी कर सकते हैं। आई होप आप अगर आप अपडेट करो तो इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाए आपके। और अगर आपको कोई और अदर इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लुक्स में और थीम्स वगैरह काफ़ी अच्छा सिस्ट ऑप्शन है इसमें, एप्लीकेशन है वो सब वर्क करती हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो, एंड आई गिव यू द लिंक ऑफ रिक्वायर्ड फाइल्स ऑन डिस्क्रिप्शन। जो भी आपको फाइल्स की रिक्वायर्ड होगी मैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप डाउन कर सकते हैं। और अगर प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इशू आता है इंस्टॉलिंग में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।